नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, 15 और 16 सितंबर कुछ रोज़ के बाद, आज 12 तारीख है, 3 रोज़ के बाद उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद, बहुत मशहूर शहर है, किसी ज़माने में तो किसी ने एक शेर कहा था कि समरकंद कुर्बान कर दूं महबूब के गाल पर जो काला दिल है, वही समरकंद जो उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसके 8 मुस्तकिल मेंबरान हैं और 7 ऑब्जर्वर्स, तो 15 ममालिक उनकी समिट यानी चोटी कॉन्फ्रेंस होने, सरबराह कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहाँ पर। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे जनाब नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म इंडिया। और उसमें उसकी जो ख़ास बात है, एक तो क्या है, चीन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और सदर भी हैं चीन के, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शी जिनपिंग, वो भी आएंगे, और रूस के सदर पुतिन आएंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आएंगे, ईरान के जो सदर हैं रईसी वो आएंगे, और बाकी जो भी मतलब परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, उनके परमानेंट मेंबर्स में आ जाते हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये इसकी जो सदारत है ना, हर साल बाय रोटेशन चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, और जो सदर बनता है वो अपने दौर के आखिर में जो है उसके पास वो समिट होती है यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। तो इस वक्त जो सदर है वो समरकंद वाला है, मतलब उज़्बेकिस्तान वाला है, और अभी मोदी साहब जब वहाँ जाएंगे तो हिंदुस्तान इसका सदर हो जाएगा, और इंशाल्लाह आइंदा साल SCO की जो कॉन्फ्रेंस होगी यानी समिट कॉन्फ्रेंस होगी, सरबराह कॉन्फ्रेंस, तो वो हिंदुस्तान में मुनक्कद होगी। अच्छा, इसकी ख़ास बात जैसा हमने आपको बताया कि जनाब शी जिनपिंग चीन के जो सदर हैं और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में मुलाकात होगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने, जो कि अभी चीन है तो वैसे एक जारहे मुल्क, उसने 2020 में वो जो उसकी आदत है निम्बलिंग की, थोड़ा थोड़ा करके खा जाना पड़ोसी मुल्कों का इलाका, तो वो हिसाब से उसने क्या किया कि ईस्ट लद्दाख में यानी मशरकी लद्दाख में वो जो सर्दियों में फौजें नीचे चली आती हैं, मतलब अपनी ऊंचे जो मकाम पर होते रहते, बहुत ठंड बढ़ जाती है तो वो नीचे चली आती हैं। तो ऐसे में जैसे 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में किया था, तो इस दफ़े चीन ने जो है वो ईस्ट लद्दाख में कर दिया। तो फिर जब ही जैसे ही गर्मियाँ आई तो पता चला, तो फिर उस बात पे चीन से मतलब एतराज़ किया गया, और उनको मतलब बताया गया कि आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, तो फिर चीन का तो हमेशा का ये रहा कि नहीं नहीं ये तो हमारा इलाका है। फिर उसके बाद कन्फ्रंटेशन हुई, और एक वक्त ऐसा आया कि आमने सामने हो गई दोनों अफवाज, और गलवान में दोनों का मुलाकात हुई दोनों अफवाज की, और हिंदुस्तान के 20 सिपाही उसमें शहीद हो गए थे। और चीन ने तो खैर, चीन वाले कभी भी अपनी सही आदाद व शुमार नहीं देते, लेकिन बाद में गैर सरकारी तौर पर पता चला कि उनके 44 लोग मर गए थे उस कन्फ्रंटेशन में। खैर, मतलब उसके बाद से फिर 2020 से लेके आज तक हालत ये थी कि आई बाल कॉन्टेक्ट, तकरीबन 50,000 हिंदुस्तानी अफवाज वहाँ पर इकट्ठी की गई थी, और उसमें
टैंक भी थे, तैयारे तो खैर कभी भी पहुंच सकते हैं, टैंक भी थे, हेलीकॉप्टर थे, और बोफर्स जो है वो तोप थी, और मतलब मुकम्मल सामान था कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाए तो चीन हिंदुस्तान को गाफिल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसा तो 1962 में हुआ था। तो इसीलिए अभी वो जब उसने चीन ने देखा कि हिंदुस्तान अपनी बात पे अड़ा हुआ है और किसी भी किस्म की धौंस में नहीं आ रहा, तो फिर उसने बातचीत शुरू की। और उसकी हमेशा से वो जो स्ट्रेटजी रहती है चीन की, वो ये रहती है कि अभी इस बात को छोड़िए, अभी हम दूसरे बिजनेस की बातें करते हैं, तजारत की बातें करते हैं। तो हिंदुस्तान हमेशा कहता है नहीं, पहले आप ताल्लुकात सुधारिए, अपने जो गलत इकदाम आपने लिए हैं वहाँ से आप पीछे जाइए, उसके बाद ही फिर कुछ बात हो सकती है। तो अभी जब शी जिनपिंग को ये अंदाज़ा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ये समरकंद में 15-16 सितंबर को मीटिंग होने जा रही है, सरबरा कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मोदी साहब भी आएंगे, तो उस वो चाहता है कि दोनों आपस में मिलें और कुछ मतलब बर्फ पिघले, यानी हालात साजगार हों हिंदुस्तान और चीन में। और एक अजीब बात ये भी है कि ये जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था 24 फरवरी को, तो उसके बाद जब भी फिर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई, तो यही दो ममालिक थे हिंदुस्तान और चीन जिन्होंने इन पाबंदियों की परवाह न करते हुए रूस से एनर्जी परचेज की, यानी तेल भी खरीदा, गैस भी खरीदा, और नॉर्मल जैसे बिजनेस के ताल्लुकात होते हैं वो बरकरार रखे हैं। तो इस लिहाज से भी चीन जो है ना वो हिंदुस्तान के और भी करीब आना चाहता है। अब देखें 15-16 सितंबर को इनकी जब आपस में मुलाकात होगी तो इसमें क्या पेशरफ्त होती है और जो कुछ होगा। अच्छा, उसके साथ साथ अभी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ SCO शहबाज शरीफ भी आएगा। अब कह नहीं सकते, हो सकता है शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो मोदी की, और मोदी की पुतिन से तो खैर यकीनी है, वो तो मुलाकात होनी ही है, जैसे शी जिनपिंग से होगी इसी तरह पुतिन से होगी, ईरान के सदर रईसी से होगी, और दूसरे भी जो सरबराहान हैं अपने अपने मुल्क के आठों के उनसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से होती है कि नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा जब से ये 19 में 5 अगस्त को मेरे ख्याल में हुआ था ना ये 370 जो एवरोगेट किया गया था हिंदुस्तानी आइन का, जिसमें कश्मीर का स्टेटस बदल गया, तो उसके बाद उस पाकिस्तान ने अपना मौकफ ये रखा है कि जब तक वो वापस नहीं होगा तो हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखने। अब देखें क्या होता है, शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होती है कि नहीं होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो ही नहीं अदालत का वो जो उसने रावलपिंडी के एक जलसे में एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकियां दी थी और IG और DIG को, तो वही तो ही नहीं अदालत के केस में पुलिस ने भी उसे नोटिस निकाला था, और पुलिस ने उसके लिए एक JIT यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, उसने उसे नोटिस निकाला था कि आप आइए और हमारे सवालात के जवाब दीजिए, लेकिन वो 3 बार नोटिस निकाल चुके हैं और इमरान खान आज तक उसके आगे पेश नहीं हुए। उसके बदले में कल जनाब इमरान खान ने क्या किया कि एक टेलीथन किया, ये मैराथन में से लफ्ज निकाला है कि टेलीफोन के थ्रू मैराथन, उसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है तो उसके लिए फंड रेजिंग का काम किया, और ऐसा एक मरतबा पहले भी कर चुके हैं, और बकौल उनके, अभी ये उनका कहना है क्योंकि अभी तक हमने पैसा देखा नहीं, वो कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए के उनको प्लेजेस मतलब वादे मिले थे कि 500 करोड़ लोग देंगे उनको, अब वो कह रहे हैं कि 300 करोड़ मिल चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ बांटे नहीं है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। और अभी ये जो कल जो टेलीथन किया इसमें भी वो बोलते हैं कि कुछ तकरीबन 300 करोड़ और भी मतलब प्लेजेस आए हैं नॉर्थ अमेरिका के ममालिक से, मतलब कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, वहाँ से। तो लेकिन अभी
वो पैसा किसी ने देखा नहीं है अभी तक, और पीटीआई ने अभी तक जो भी उसके मुतासरीन हैं सैलाब के, वहाँ तक वो पैसा किसी के पास पहुँचाया नहीं है। लेकिन इन्फॉर्म किया है, उन्होंने इससे मुतला किया है कौम को, कितने पैसे का वादा हुआ है और मिल रहे हैं, लेकिन अभी कब वो बांटना शुरू करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली की क्रॉनिक शॉर्टेज रहती है, हमेशा से कमी रहती है, यानी जितनी बिजली की ज़रूरत होती है इतनी पैदावार नहीं है, इसीलिए हमेशा लोड शेडिंग रहता है। अच्छा, उसको पूरा करने के लिए इससे पहले जो सरकारें थी, जैसे नवाज शरीफ की थी 18 से पहले सॉरी, और ये अभी 18 के बाद इमरान खान की आई, तो इन लोगों ने क्या किया कि गैस बेस्ड यानी नेचुरल गैस बेस्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी बेस्ड जो है ना पावर प्लांट लगाए, और उसके लिए उन्होंने एलएनजी इंपोर्ट करने का भी मन बनाया, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस निकलती है दो कंपनियां हैं, नॉर्दर्न सुई गैस और सदरन सुई गैस, वो जो है ना पाकिस्तान में बांटती है। अब उनकी पोजीशन ये है कि जितनी गैस की ज़रूरत है पाकिस्तान में उसकी 44% पाकिस्तान पैदा कर सकता है, 56% पाकिस्तान को दरामद करनी पड़ती है, तो वो दरामद करते हैं जहाँ से, तो वो लिक्विफाइड शक्ल में आती है, इसलिए उसे एलएनजी कहा जाता है, और फिर उसके लिए रीगैसिफिकेशन प्लांट लगाया जाता है, यानी उस लिक्विड को वापस फिर गैस में लाकर और फिर वो गैस जो है ना वो पावर प्लांट को दी जाती है, या जिसको भी अभी समझे आप कुकिंग गैस के तौर पर भी अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। अभी क्योंकि पाकिस्तान में गैस की कमी है तो इनको गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन अभी गैस हो गई है बहुत महंगी यूक्रेन की जंग की वजह से। पहले जहाँ पर एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो $100 का मिलता था, अभी वो $500 तक हो चुका है। तो पाकिस्तान में वो जो रीगैसिफिकेशन प्लांट है या गैस से चलने वाले जो पावर प्लांट है सभी बंद पड़े हैं, यूजलेस हो गए हैं जैसे। तो अभी पाकिस्तान सरकार ने ये सोचा है कि कतर को वो बेच दिए जाएं, ताकि कतर, क्योंकि कतर के पास गैस बहुत है, तो वो खुद ही अपनी गैस यहाँ पर लाएं और इस पावर प्लांट में वो उससे पावर बनाएं और फिर पाकिस्तान को दें, ताकि पाकिस्तान की वो जो कमी है बिजली की वो पूरी हो। अच्छा, उसके लिए जब अगर कतर वो ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान सरकार को ये कहा है कि आपको जो पावर परचेज एग्रीमेंट है और गैस परचेज एग्रीमेंट है, ये दोनों आपने अभी तक मुकम्मल नहीं किए। मतलब गवर्नमेंट जब भी बेचेगी वो पावर या ख़रीदेगी तो वो क्या भाव में होगा या गैस क्या भाव में होगी, जब तक वो नहीं होगा तो वो कतर को कैसे बेचे जाएंगे, क्योंकि कतर वाले जब ख़रीदेंगे वो प्लांट तो उसमें वो ज़ाहिर है उसका जो है वो ड्यू डिलीजेंस करेंगे कि वो उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा या नुकसान तो नहीं होगा। तो इसीलिए उनको ये कहा गया है, सरकार को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये कहा है कि जल्द से जल्द पावर परचेज एग्रीमेंट और गैस परचेज एग्रीमेंट को मुकम्मल करें, ताकि ये जो प्रोसेस है वो तकमील को पहुँचे। उधर ये हालत है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें से सिर्फ 22% आवाम को ये पाइप्ड नेचुरल गैस मिल रही है, 78% आवाम को नहीं है, और 2-3 साल से ये हालत हो गई है कि लोगों के दरख्वास्त पड़ी है और उसमें वो अर्जेंट तौर पर ₹25,000 भी कई लोगों ने जमा कराए हैं कनेक्शन के लिए, लेकिन उनको नए कनेक्शन नहीं मिल रहे, क्योंकि गैस ही नहीं है, गैस नहीं है तो वो सुई गैस कंपनी कैसे देगी आवाम को, तो नए कनेक्शन देना बंद है 2-3 सालों से। तो इसीलिए ऑन वार फुटिंग पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ फैसला करना है कि कैसे कहाँ से ख़रीदें, किस भाव में ख़रीदें, और फिर वो कौन उसको बेचे या कौन उसे बांटे। तो इसके लिए लोग चिल्ला रहे हैं और सरकार अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। तो हमें उम्मीद है कि अभी कतर की हुकूमत से बात हुई है तो कुछ ना कुछ इसका मस्बत नतीजा निकलेगा और लोगों की तकलीफ़ात
दूर होंगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम एक मरतबा फिर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।